तीसरी बार मोदी नहीं बन रही पीएम, संजय राउत का बड़ा दावा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि इनको जो सीटें मिली हैं वह ईडी और सीबीआई के चलते मिली हैं, हमारे पास भी सरकार बनाने का मैंडेट है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर चुकी है और सरकार बनाने की कवायद में है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने भी सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। गठबंधन के तमाम नेता लगातार मेजोरिटी नंबर जुटाने में लगे हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के सीनियर नेता संजय राउत ने इंडिया अलायंस के सरकार बनाने और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर बड़ी बात कही है। संजय राउत का कहना है कि अगर राहुल गांधी नेतृत्व स्वीकार करेंगे तो हम तैयार हैं, राहुल गांधी लोकप्रिय नेता हैं। इंडिया गठबंधन में पीएम को लेकर लड़ाई नहीं। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा इनको जो सीटें मिली हैं वह ईडी और सीबीआई के चलते मिली हैं। जहां तक इंडिया गठबंधन से पीएम उम्मीदवार की बात है तो अगर राहुल गांधी नेतृत्व स्वीकार करेंगे तो हम तैयार हैं। हमारे पास 250 सीट सरकार बनाने का है मैंडेट। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने एनडीए गठबंधन और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि तीसरी बार मोदी जी सरकार नहीं बन रही है, हम भी अभी 250 सीट तक है, हमारे पास सरकार बनाने का मैंडेट है। उन्होंने कहा चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार तानाशाही के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे हैं, वैसे भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी स्वीकार करे कि वह हार गई है, अब नरेंद्र मोदी की गारंटी का क्या हुआ, ये जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे सरकार चलाएंगे। इंडिया गठबंधन के पास 232 सीटें। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में एनडीए गठबंधन को 294 सीटें, इंडिया गठबंधन को 232 सीट और अन्य को 17 सीट मिली है। जल्द ही सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी।